हेलो स्टूडेंट, मैं विजेंद्र पटेल, टीम सीएलसी सीकर। तो बच्चों, जो आपकी डीसीएम टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन अपलोड डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वाले पेपर में जो कंटेन है अपने पास, जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, ये बोला है, पहला क्वेश्चन है, ए स्टील रॉड हैज रेडियस आर इक्वल टू 9.5 mm एंड लेंथ एल इक्वल टू 81 cm। ए फोर्स 6.2 × 10⁴ N स्ट्रेचिस इट्स अलोंग इट्स लेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेस इन द रॉड, ठीक है। मतलब एक हमारे पास एक छड़ दे रखी है जिसकी हमारे पास त्रिज्या बता रखी है, कितनी है 9.5 mm, और लेंथ हमें बता रखी है उसकी, और उस पर बल लग रहा है, ठीक है। क्या बल है और उसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 6.2 × 10⁴ N दे रखी है। तो हमसे ये बोला इसमें प्रतिबल कितना होगा या स्ट्रेस कितनी होगी। तो अगर हम लोग स्ट्रेस लिखें तो जो स्ट्रेस लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, फोर्स डिवाइड बाई एरिया लिखा जाएगा, ठीक। अगर हम लोग अब इसकी बात करें तो फोर्स को तो हम लोग एफ से लिख लेते हैं, एरिया को लिखेंगे हम लोग जो रॉड है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग अब लिखते हैं, देखो क्या क्या हमें डेटा दे रखा है। जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6.2 × 10⁴ N, ठीक है। और जो रेडियस हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये 9.5 mm दे रखा है। इसको ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो ये लिखा जाएगा 9.5 × 10⁻³ m, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें इसमें रखना है, तो जब आप इसमें रखोगे फार्मूले में तो F कितना दिया हुआ है, 6.2 × 10⁴ N डिवाइड बाई ये 3.14 हो जाएगा, रेडियस आप लिखोगे तो 9.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो स्ट्रेस बनेगी यहाँ पे, स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2 × 10⁸ N/m², ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बाई इक्वल टू एम जी एल पाई आर स्क्वायर एल फार्मूला वुड गिव बाई इफ एम जी इज डबल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो बाई है ये क्या है, यंग मॉडुलस है यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग जानते हैं जो यंग मॉडुलस है ये मेटेरियल प्रॉपर्टी है, ये लोड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लोड पे इस पर जो फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसमें जो एम जी है इस पर तो ये डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है दिया हुआ हमें, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, एम जी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, वो सेम रहेगी, कितना रहेगा इसका आंसर, सेम रहेगा बाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ डायमीटर लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर शोन इन फिगर आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली, देन करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग इन देयर लेंथ वुड बी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो मेटेरियल दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, एक तो हमें बता रखा है स्टील और एक बता रखा है कॉपर, ठीक है। तो ये पूछा गया है इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा और इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, उन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। मगर इसमें जो कुछ हमें डेटा दे रखा है वो भी रेशियो की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है हमें जो इसमें रेशियो दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है किसका, डायमीटर का रेशियो दे रखा है, लेंथ का हमें दे रखा है और यंग मॉडुलस का हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो स्टील है इसको एस से लिख लेते हैं और कॉपर को सी से लिखेंगे। तो स्टील की अगर हम लोग बात करें तो डायामीटर है, तो जो डायामीटर में रिलेशन होगा वही रेशियो किसमें होगा, जो डायामीटर का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो होगा। तो हम लोग रेडियस लिखते हैं आर से, तो हमने लिखा रेडियस ऑफ स्टील, ये आर एस लिखा और ये लिखा हमने आर सी, ये हमें कितना बता रखा है, इसका रेशियो हमें दे रखा है पी, ठीक है, एक डेटा हमें ये दे रखा है। दूसरा हमें डेटा बता रखा है कि जो लेंथ है एल एस एल कॉपर, ये हमें कितना बता रखा है क्यू यंग मॉडुलस बाई एस अपॉन बाई सी, और ये हमें बता रखा है एस बता रखा है, ठीक है। फिर अपन लोग अब ये देखें जो स्टील पे है, जो स्टील है इस पे टोटल लोड कितना है, तो 2m तो ये है और 5m ये है, तो कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा। तो हमने लिखा जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन स्टील, इसको हमने लिखा 7mg, ठीक है, और कॉपर के लिए लिखा हमने fs, तो ये कितना हो जाएगा 5mg लगेगा, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसमें रेशियो लिखना है इंक्रीमेंट का, ठीक है, किसकी जो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी उसका अनुपात हमें लिखना है, ठीक। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने लोग। तो अगर हम लोग इंक्रीमेंट के लिए लिखें तो जो फार्मूला होता है यंग मॉडुलस का वो कितना होता है, बाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू एल, ये लिखा जाता है। तो अगर आप डेल्टा एल लिखेंगे यहां से तो डेल्टा एल कितना बनेगा, एफ एल ए इंटू वाई, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको अगर आप सही से लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एफ एल पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो दो हमें मटेरियल दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है स्टील और एक दे रखा है कॉपर। तो अपने लोग लिखते हैं अगर इसका फार्मूला बनाए तो ये लिखा जाएगा डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी, ठीक है। पहले तो फोर्स का रेशियो लिख लेंगे एफ एस अपॉन एफ सी, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम दे रखी है, नहीं लेंथ का भी हमें रेशियो दे रखा है, तो आप लेंथ के लिए लिखोगे एल एस अपॉन एल सी, ठीक। अब हमें किसका लिखना है, रेडियस का, तो रेडियस हमारे पास इन्वर्सली चल रही है, तो यहां पे ये कैसे लिखा जाएगा, आर सी अपॉन आर एस इसका होल स्क्वायर। यंग मॉडुलस अगर आप लिखोगे तो लिखा जाएगा बाई सी अपॉन बाई एस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो इसका, जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो एफ एस अपॉन एफ सी कितना है, ये हमको बता रखा है कितना, एफ एस अपॉन एफ एस ये लिखोगे तो ये आएगा सेवन, नहीं स्टील वाले पे एक मिनट रुको, इसको देखते हैं, हाँ तो स्टील पर टोटल लोड कितना है 7mg, ठीक है, और नहीं स्टील पे जो है वो है 7mg और कॉपर पे है कितना 5 है, तो यहां पे ये क्या आएगा हमारे पास, अब इसमें अगर आप लोग कॉपर की बात करेंगे तो यहां पे हमें कॉपर लिखना है, कॉपर के लिए कितना दे रखा है 5, ठीक है, तो एफ एस अपॉन एफ सी लिखोगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 7 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। एल एस अपॉन एल सी का रेशियो जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, ये क्यू दे रखा है, ठीक है, और रेडियस का जो हमें रेशियो रिलेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, पी दे रखा है, तो ये आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। बाई सी मतलब यंग मॉडुलस कॉपर और स्टील का जो रेशियो बनेगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन एस आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकेंड आंसर इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, मेटेरियल ऑफ द वायर, उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी और उसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोला ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ ए मेटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई, इट्स स्ट्रेस बाई एन अमाउंट एक्स, द बर्गडन। तो ये बोला है अगर हमारे पास कोई वायर दिया हुआ है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है, एरिया हमें दे रखा है, ठीक है, उसको अगर हम एक्स तक उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कितना बर्गडन होगा या उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये वायर है कोई और इसको हम लोगों ने स्ट्रेच करा, ठीक है, इसकी लेंथ अभी कितनी है एल, ठीक है। अब इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे कितना, इसके अभी मान लो हमने इसको स्ट्रेच करा, ठीक है, तो यहां से जो स्ट्रेच कर रहे हैं अपने लोग वो मान लो एक्स, हमने इसको स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। तो जो फार्मूला लिखा जाएगा फोर्स के लिए, यहां पे फोर्स लगाओ कितना एफ, तो लिखा जाएगा बाई इक्वल टू एफ अपॉन ए एक्स इंटू एल, ये लिख सकते हैं यहां से। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी यहां से एफ को आप लिखोगे बाई ए एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें, जैसे डेल्टा एक्स डी एक्स मान लें कि इसको डी एक्स खींचा गया है, ठीक है, तो कितना हमें वर्कडन करना पड़ेगा, तो वर्क जो लिखा जाएगा वो कितना आ जाएगा एफ डॉट डी एक्स, और कहां से कहां तक इसको खींचेंगे जीरो टू एक्स, ठीक है। तो इसको लिख लो बाई ए एक्स डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है, इसे जीरो टू एक्स मान लो। यहां पर मैंने अभी एक्स मान लिया, आप इसको और कोई डेटा मान के आप सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा अपना, तो लिमिट यहां पे हमने 0 टू x लिख लिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2l आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोला द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 45 × 10⁻¹¹, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, उसकी वाटर की हमें डेंसिटी दे रखी है, तो बोला व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट बॉटम ऑफ ओशियन, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो जो हमें कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, ठीक है, तो ये बल्क मॉडुलस की क्या होती है, इनवर्सली होती है। तो बल्क मॉडुलस अगर आप लिखोगे तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास 1/45 × 10⁻¹¹, ये हमने बल्क मॉडुलस लिख लिया, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस का अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो बल्क मॉडुलस होता है बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, डेल्टा बी अपॉन बी पूछा गया है, तो आप इसको लिखोगे डेल्टा पी अपॉन बी, ठीक है। तो प्रेशर में जो हमारे पास चेंज आएगा वो क्या आएगा, अगर उसको लिखें तो इसको आप लिख सकते हो एच रो जी डिवाइड बाई बी की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो बी तो हमें पता है वो कितना दे रखा है 1/b 45 × 10⁻¹¹, ठीक है। तो इसको भी ऐसे रखते हैं, एक माइनस लगा लेते हैं, तो इसमें चेंज पूछा हमसे, तो एच कितना हो गया 2700 × 10³ इंटू ये 10 आएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी वैल्यू रखनी है 45 × 10⁻¹¹, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे क्या आएगा हमारे पास 45 × 27 डेल्टा बी अपॉन बी बनेगा, ये 3 और 2 ये कितना हो गया 5 और ये 6, तो यहां पे हमने लिखा 27 45 10⁻¹⁹
5, 6, तो ये आएगा 10^-, जब आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपना 1.2 × 10^-2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड एल इज डिप्ड इन ए लिक्विड, ऑन टेकिंग आउट ए मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज टी, द फोर्स एक्टिंग ऑन फ्रेम विल बी। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, एक हमें स्क्वायर फ्रेम दे रखा है, उसकी साइड हमें बता रखी है एल, ठीक है, और जिस लिक्विड में इसको डिप करा गया है उसकी सरफेस टेंशन हमें बता रखी है, वो कितना बता रखा है टी। तो जब हम इसको बाहर निकाल रहे तो कितना फोर्स लग रहा होगा इस पर? ठीक है, तो देखो क्या है, ऐसे मान लो ये स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, तो इसकी एक लेंथ हमें बता रखी है एल, ये जो साइड है ये एल है और ये भी एल हमें बता रखी है। ठीक है, अगर हम लोग एक साइड की बात करें, ठीक है, इसकी अगर साइड अपन लोग मान लें एल, ठीक, तो इस पर अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो कितना होगा इस पर दो सरफेस बनेंगे, तो जो आप सिंगल के लिए अगर आप फोर्स की बात करोगे उसको मैं एफ डैश लिख लेता हूं, तो आप लिखोगे टी इंटू 2L, या तो 2L लिख लो, तो ये हमारे पास जो एफ डैश बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2TL लगेगा, ये एक आर्म पे लगेगा, ठीक है, और टोटल आर्म कितनी है इसमें 4, तो टोटल नेट फोर्स जो आएगा F, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 × 2TL, तो कितना हो जाएगा ये 8TL हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे एक तो L इस एक साइड पे इधर हमारे पास फिल्म बनेगी और एक इस पे, तो कितना लगेगा 2T लगेगा इस पे। ठीक है, इसको मैंने इफेक्टिव लेंथ लिख दिया 2L, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो F डैश को 2T × L, तब भी अपने पास 8TL इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है अपना? थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टिनी पार्टिकल ऑफ कैंपर डांस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये बोला जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका जो आंसर है अपना वो क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है अपना, अगर इसकी बात करें तो आंसर है सरफेस टेंशन, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग ए ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इंटू एन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई। ठीक है, तो क्या है ये कि हमारे पास पहले एक ड्रॉप दी हुई है जिसकी हमें रेडियस कितनी बता रखी है आर। ठीक है, इसको ब्रेक करा गया और ये ऐसे स्मॉल स्मॉल ड्रॉप में इसको ब्रेक किया गया है और एक की जो रेडियस है वो कितनी है आर। ठीक है, तो बोला इसको तोड़ने के लिए हमारे पास कितनी आवश्यक ऊर्जा होगी। तो देखो होगा क्या, जैसे मान लो अगर ये हमारे पास एक ड्रॉप है, ठीक है, तो अगर मैं आप इसका सरफेस एरिया अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जो एक ही सरफेस एरिया है जो आउटर है, ठीक है, जो सरफेस एरिया आप लिखोगे वो कितना आएगा हमारे पास, इसमें 4πr आ जाएगा क्योंकि एक ही सरफेस है इसमें। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएंगे, एक तो ये आ गया, एक सरफेस एरिया ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग अगर यहां की बात करें तो जो पहली ड्रॉप है, ठीक है, उसकी अगर हम लोग एनर्जी लिखें तो आप इसकी एनर्जी अगर लिखोगे तो कितनी आएगी इसके लिए, वो कितनी लिखी जाएगी एनर्जी, अगर इसकी लिखें सरफेस एनर्जी वो कितनी आएगी, टी इंटू 4πr², ठीक है, इनके लिए अगर लिखें तो कितनी है एन ड्रॉप है, तो एक ड्रॉप की अगर एनर्जी लिखोगे वो कितनी आएगी हमारे पास, टी इंटू 4πr²,
ठीक है, ड्रॉप कितनी है एन, तो आपको यहां एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वही हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप वर्क लिखोगे या एनर्जी लिखोगे तो कितना आएगा, एन टी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर माइनस टी फोर पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, टी को कॉमन ले लो, फोर पाई कॉमन ले लो, तो यहां पे आ जाएगा एन आर स्क्वायर और ये कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास एक्यूट है तो लिक्विड जो है वो राइज करेगा, अगर एब्ट्यूस है ठीक है तो वो क्या करेगा, फॉल होगा। ठीक है, मतलब न्यून कोण है तो क्या होगा, लिक्विड राइज करेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर अपना कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसका ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बोला है नेचर ऑफ मेनिकस ऑफ लिक्विड एट जीरो डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जीरो डिग्री स्पर्श कोण वाले द्रव के चंद्र तल की प्रकृति होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ये सेमी स्फेरिकल होता है, क्या होगा, सेमी स्फेरिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, द प्रेशर एट बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, तो प्रेशर का अगर मान लो ये कोई टैंक है, मान लो ये कोई टैंक है ठीक है, और इसमें एच हाइट तक कोई लिक्विड फिल कर दिया है, ठीक है, एच हाइट तक उसकी जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमने लिख दिया है रो, तो जो प्रेशर लिखा जाता है वो कितना लिखा जाएगा, एच रो जी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, डज नॉट डिपेंड पूछ रहा है तो इसमें ये अपना आंसर सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, नेचर ऑफ लिक्विड इस पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे, इस पे डिपेंड करेगा और डिपेंड किस पे नहीं करेगा, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सरफेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला थ्री लिक्विड ऑफ इक्वल मासेस आर टेकन इन थ्री आइडेंटिकल क्यूबिकल वेसल्स ए बी एंड सी, देयर डेंसिटीज आर रो ए रो बी एंड रो सी रेस्पेक्टिवली, बट एक रिलेशन हमें दे रखा है इनकी डेंसिटी में। ठीक है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ क्यूबिकल वेसल। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इससे मान लो ये क्यूबिकल वेसल हमें दे रखे हैं, ठीक है, और ये सेम दे रखे हैं हमें, ठीक। अब इसमें जो लिक्विड रखा गया है उसका जो मास है, यहां पे मान लो m1 है, यहां पे m2 है और m3, तो मास तो दोनों तीनों में सेम दे रखा है, m1 m2 m3। ठीक है, तो ये बोल रहा है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ क्यूबिकल वेसल, तो जो यहां पे फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, mg फोर्स लगेगा, यहां पे कितना लगेगा, m1g, यहां पे फोर्स लगेगा m1g और यहां पे फोर्स लगेगा m2g और यहां लगेगा m3g। ठीक है, मास सेम है तो इनका जो फोर्स होगा वो भी सेम आएगा, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, सेम इन द सेम इन ऑल द वेसल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है Why the dam of water reservoir is thick at the bottom? ठीक है, सिंपल सा ये बोला है इसमें कि जो डैम बनाए जाते हैं तो उसमें जो
जैसे डैम बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे मान लो ये उसकी ये डैम है और उसकी ये दीवार है, तो ये इस तरीके से होती है, बॉटम पे क्या होगी ये थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आओगे डाउनवर्ड, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे जो डैम बनाया जाता, जो इसकी दीवार बनाई जाती है वो क्या थिक बनाई जाती है। उसका सही आंसर हो जाएगा प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद द डेप्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद डेप्थ। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी थ्राइस इट्स वैल्यू, द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोज हाइट विल बी, ठीक है। एक बॉडी हमें दे रखी है और वो किसी लिक्विड में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो ये बोला है और उनकी डेंसिटी में हमें रिलेशन दे रखा है, तो डेंसिटी हमें बोल रखा है लिक्विड ऑफ डेंसिटी थ्राइस है किससे, जो बॉडी है उसकी डेंसिटी से, ठीक है। तो ये बोला है द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोज हाइट, तो क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये लिक्विड है, और ये कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है, और इसकी हाइट हमें बता रखी है, ये मान लो कितनी हाइट है, हाइट मान लेते हैं h, और इसका एरिया मान लेते हैं कितना, a मान लेते हैं, ठीक। जो लिक्विड की डेंसिटी हमें बता रखी है, इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 रो, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं जो लिक्विड में जो इसका पार्ट है वो कितना है, एक्स हाइट है, तो जो एक्सपोज हाइट है ये हमसे पूछा गया है, एच माइनस एक्स कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जितना इस पर अगर ये तैर रही है इस पर, ठीक है, तो जो इसका वेट एक्ट करेगा, ठीक है, वो किससे बैलेंस होगा, बायंसी फोर्स से बैलेंस होगा। तो इसको लिखते हैं अपने लोग, जो इसका वेट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, बायंसी फोर्स के बराबर होगा, ठीक। तो इसको लिखते हैं, वेट तो अपने लोग लिखोगे, इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी रो इंटू जी, बायंसी फोर्स लिखोगे आप, मान लो इसका जो ये वॉल्यूम है ये वाला जो इसमें है ये कितना है, इसको हम लोग बी डैश मान लेते हैं, तो कितना लिखोगे, बी डैश 3 रो इंटू जी, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से मिला हमें बी रो बी डैश 3 रो, ठीक है। अब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना है ए, और लेंथ इसकी कितनी है एल। अब आप यहां पे लिखोगे जब बी डैश, तो वो कितना होगा, एरिया तो ए है और जो इसने डिस्प्लेस करा है लिक्विड वो कितना है, ए इंटू एक्स आएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, बी कितना है हमारे पास, ये तो आ जाएगा ए इंटू हाइट हमने मानी है एच, ठीक है, रो, और बी डैश आप लिखोगे ए इंटू एक्स 3 रो, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, एच वाई 3। हमसे पूछा क्या गया है, द फ्रैक्शन ऑफ हाइट एक्सपोज, द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोज हाइट विल बी, तो एच माइनस एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, एच माइनस एच वाई 3 या 2HY3, तो h माइनस एक्स डिवाइड बाई h कितना आ गया, 2Y3 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन, ये बोला एन आइस ब्लॉक कंटेन ए ग्लास बॉल, When the ice melt within the water containing vessel, the level of water, ठीक है, देखो इसको समझते हैं क्या कह रहा है, कि जैसे मान लो एक बर्फ, ये बोला किसी बर्फ के गुटके में कांच की एक गेंद रखी है, जब किसी जल से भरे पात्र में जब यह बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेसल है, ठीक है, और ये आइस मान लेते हैं, ठीक, और इसमें ये वॉल है, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल m, ठीक है, और ये इसमें ऐसे
इसमें तैर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये तैर रही है तो इसका जो मास होगा वो किससे बैलेंस होगा, बॉयंसी फोर्स से बैलेंस होगा, ठीक है। तो अपने लोग पहले ये चेक कर लें कि इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा है, ठीक है, वो फाइंड कर लें। और जो वॉल्यूम फॉर्म होगा अगर वो दोनों बराबर आ गए तो लेवल जो है वो सेम रहेगा, अगर जो वॉल्यूम फॉर्म होगा वो लेस है तो वो इसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग, पहले लिखते हैं डिस्प्लेस वॉल्यूम की बात करेंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे अपने लोग, इसका जो मास होगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। और डिस्प्लेस वॉल्यूम को लिख देते हैं हम लोग बी डी, ठीक है, और डेंसिटी मान लेते हैं रो इंटू जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, जो रो डी बी डी आएगा जो डिस्प्लेस वॉल्यूम एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास रो है, तो जो रो है वो क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, और किसकी, वाटर की डेंसिटी है, तो हमने क्या लिखा इसे, रो डब्ल्यू लिख लिया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं जब ये मेल्ट हो जाएगा तो कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा, तो वॉल्यूम अगर जो फॉर्म होगा उसको लिख लेते हैं बी डैश से लिख लेते हैं, वो कितना होगा, इसका जो आइस है उसका मास कितना है एम और डेंसिटी कितनी है रो, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ आइस प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो इसको जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, ये कैपिटल एम डिवाइड बाई रो डब्ल्यू प्लस स्मॉल एम, ठीक है। अब जो डेंसिटी है ग्लास की या कांच की उसको हम लोग मान लेते हैं रो जी, ठीक है। अब लोग बात करें जो डेंसिटी रो जी है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, वाटर से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जो बी डैश है वो लेस आएगा किससे, बी डिस्प्लेस से, ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारे पास लेवल है वो क्या होगा, वो घट जाएगा, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आएगा, फॉल आएगा, क्या आएगा, घटता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर 8 × 10⁻³ मीटर, द वॉटर वेलोसिटी एज इट लीव्स द टैप इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, द डायमीटर ऑफ द वॉटर स्ट्रीम एट ए डिस्टेंस 2 × 10⁻¹ मीटर बिलो द टैप इज क्लोज टू, ठीक है। तो इसमें हमसे बोला एक नल है, ठीक है, और उसका हमें डायमीटर दे रखा है, जैसे मान लो ऐसे नल बना लेते हैं, तो इसका हमें डायमीटर दे रखा है। अब यहां से क्या जो वाटर है वो फॉल होगा इस तरीके से, और इसका जो शेप है वो क्या होगा, इस तरीके से डिग्रीज होता चला जाएगा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां का हमें डायमीटर दे रखा है, इसको हम लोग मान लेते हैं डी1, और ये पूछा है जब ये हाइट जो है एच हाइट कितनी है, टू इंटू टेन टू पावर माइनस वन, ये कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻¹ मीटर है। तो यहां पे जो डायमीटर है डी टू, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। और क्या बता रखा है, यहां पे हमें स्पीड भी बता रखी है बी वन, यहां की अगर बात करें बी वन हमें कितना बता रखा है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप लोग यहां पे स्पीड लिख लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी आएगी, ठीक है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे यहां पर स्पीड मान लेते हैं B2, तो आपने लिखा B2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है, इससे लिखते हैं। तो B1 हमारे पास कितना दे रखा है, 0.4 स्क्वायर प्लस 2, और G लिख लेते हैं यहां पे 10, H कितना दे रखा है हमें, 2 × 10⁻¹, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
बी टू, तो आएगा ये 0.16 प्लस 4, मतलब ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये 2 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम लिखोगे तो आएगा a1 b1 इक्वल टू a2 b2, ठीक है। तो a1 जो है इसको आप क्या लिखोगे, पाई d1 स्क्वायर बाई 4 इंटू b1, इसको आप लिखोगे पाई d2 स्क्वायर बाई 4 इंटू b2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास d1 स्क्वायर b1 d2 स्क्वायर b2, ठीक है। अब हमसे d2 पूछा गया है, तो d2 अगर आप लिखोगे तो आएगा b1 अपॉन b2, ये अंडर रूट में और यहां पे आ जाएगा d1, क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो b1 हमें जो दिया हुआ है ये 0.4 और b2 जो है वो कितना आ रहा है 2, इसका लिया अंडर रूट इनटू, और d1 हमें कितना दे रखा है 8 × 10⁻³ दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.6 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही है इसका, फोर्थ ऑप्शन ठीक करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन ए विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विथ वेलोसिटी बी, द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉल इज, ठीक है। इसमें बोला है एक हमारे पास बॉल है, मतलब गेंद है, उसकी त्रिज्या आर दे रखी है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है आर, और जो सायांता दे रखी है कितना ईटा दे रखी है, और बी वेग से गिर रही है, तो ये बोला है इस पर मंदक बल कितना होगा। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लोग लिखें तो क्या लिखा जाता है, एफ इक्वल टू 6 πE(r)×b, ठीक है। तो विस्कोसिटी हो गया हमारे पास, आर रेडियस हो गई, और बी क्या है इसकी स्पीड है। तो हम लोग चेक करें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस आर एंड बी, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो वेलोसिटी है बी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्पेयर ऑफ गोल्ड डेंसिटी, एक स्पेयर दे रखा है हमें गोल्ड और उसकी स्पीड हमें बता रखी है, टर्मिनल स्पीड बता रखी है 0.2 मीटर पर सेकेंड इन विस्कस लिक्विड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्पेयर ऑफ सिल्वर, ठीक है, ऑफ द सेम साइज इन द सेम लिक्विड। बोला अगर उसी साइज का कोई दूसरा स्पेयर है जो किससे मिलके किसका है, सिल्वर का है, तो बोला उसकी टर्मिनल स्पीड कितनी होगी सेम लिक्विड में। तो देखो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग बात करें टर्मिनल स्पीड का फार्मूला, तो वो जो लिखा जाता है वो आता है 2r²ρs − ρLg/9 ईटा, ठीक है। ये जो बॉडी है उसकी डेंसिटी है और ये क्या है लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। ये रेडियस है और ये विस्कोसिटी है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्पेयर ऑफ सिल्वर। तो देखो हम लोग पहले की बात करते हैं, तो सेम साइज है तो आर हट जाएगा, सेम लिक्विड है ये भी हट जाएगा, और जो जी है ये भी हट जाएगा। अगर आप इसमें सॉल्व करोगे जो टर्मिनल स्पीड है वो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, ρs − ρL, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज सेम है तो रेडियस भी सेम हो गई, सेम लिक्विड है तो वो भी ईटा भी सेम हो गया। तो आपने लिखा BT1 BT2, यहां पे आप लिखोगे ρs₁ × लिक्विड, लिक्विड तो सेम है, फिर हमने लिखा ρs₂ − ρL, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले की जो टर्मिनल स्पीड है वो कितनी है 0.2, BT2 हमें फाइंड करना है, ठीक है, और ρs₁ जो दिया हुआ है, जो सोने का घनत्व दिया है वो दिया है 19.5 और लिक्विड का दिया हुआ है 1.5, ठीक है, और चांदी का जो दिया हुआ है 10.5 माइनस और ये है 1.5,
तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये यहां लिखते हैं इसको, ये आएगा 0.2 इंटू बी टी 2, ठीक है। इसको आपने माइनस करा तो कितना आ गया, ये 18 डिवाइड बाई 9 आएगा, तो कितना आ गया 2, तो बी टी 2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0.1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 0.1 बचेगा, तो बी टी 2 बचा जो टर्मिनल स्पीड वो 0.1 मीटर पर सेकंड आएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर इसका कितना है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये बोला ए टैंक ऑफ हाइट इज फुली फिल्ड विथ वाटर, इफ द वाटर रशिंग फ्रॉम ए होल मेड इन टैंक बिलो द फ्री सरफेस स्ट्राइक द फ्लोर एट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा है या रेंज की बात कर रहा है, मैक्सिमम रेंज, देन द डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द फ्री सरफेस मस्ट बी, ठीक है। तो इसका तो सिंपल से आप लोग जानते हैं कि ऐसे मान लो ये कोई टैंक है और यहां पर हम लोगों ने होल बना दिया और ये जो हाइट है वो कितनी है एच, तो अगर इसको मैक्सिमम रेंज पे ले जाना है तो ये जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, एच बाई टू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1/2h, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बोला वॉटर फॉल्स फ्रॉम ए टैप डाउन द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। बोला जब किसी नल से जल धारा रेखीय प्रवाह में नीचे गिरता है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें अपन लोग, तो क्या है, एरिया डिक्रीज, एरिया इंक्रीज, वेलोसिटी रिमेन सेम, एरिया रिमेन सेम, ठीक है। तो क्या है, जैसे मान लो ये कोई यहां, ये कोई टैब है और यहां से जब वाटर जो है वो आता है तो उसका क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। यहां मान लो अगर A1 एरिया है, A2 है, तो A1 क्या होगा, ग्रेटर देन A2 होगा, ठीक है, एरिया डिक्रीज होगा। दूसरा, तो पहला ऑप्शन सही है, हम लोग बात कर लेते हैं, वेलोसिटी सेम नहीं रहती क्योंकि ये हाइट जो है वो हमारे पास क्या है, यहां से जब आएगा तो इसकी जब नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी या वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो सेम तो नहीं रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, एरिया डिक्रीज, ठीक है। 21 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्या बोला है, वाटर फ्लो इन ए स्ट्रीम लाइंड मैनर थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ए, द प्रेशर डिफरेंस बीइंग पी, द रेट ऑफ फ्लो इज क्यू, इफ द रेडियस इज रिड्यूस्ड टू a/2 एंड प्रेशर इंक्रीज 2p, देन रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो वो लिखा जाता है वॉल्यूम पर सेकेंड dq, इसका फॉर्मूला आता है पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 8 ईटा इंटू एल, ये लिखा जाता है, ठीक है। अब कैपिलरी ट्यूब है ये है, तो यहां से इसके जो एंड पे प्रेशर डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, पी, ठीक है, और इसकी जो रेडियस हमें बता रखी है यहां से यहां तक जो रेडियस है वो कितनी है, ए है। तो पहले वाले केस के लिए लिखते हैं, पहला केस अगर आप लिखोगे तो क्यू जो आएगा वो आएगा पाई पी आर की पावर 4 8 ईटा एल, यहां पे ए आ जाएगा, रेडियस हमें कितना दे रखी है, ए हमें इसमें रेडियस दे रखी है। अब क्या बोला है, इफ रेडियस रिड्यूस टू a/2, मतलब इसकी जो रेडियस है वो हमने आधी कर दी है a/2, और प्रेशर जो है वो 2p कर दिया, मतलब प्रेशर को बढ़ा दिया। तो अपन लोग q2 अगर मैं लिखूं तो आप लिखोगे सेकंड केस में पाई, ये हो जाएगा 2p, और जो रेडियस है वो कितनी है, a/2 को आपने रेडियस जो है वो हाफ कर दी, 8 लेंथ पे कोई इफेक्ट है नहीं और लिक्विड भी सेम है, ठीक है। तो इनमें रेशियो हमें लिखना है, तो लिख लेते हैं q/q2 = तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, पाई ईटा एल इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये इधर बचेगा पी ए की पावर 4, यहां पे आ जाएगा 2p और a/2 की पावर
4, तो P से P कैंसिल, यहां पे बचेगा A की पावर 4, 2 इंटू 1 बाई 2 की पावर 4, और यहां A की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे Q2, तो ये आ जाएगा Q/8 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये बोला था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज, एक हमारे पास लिक्विड है उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है। बोला कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है। हमें गामा दे रखा है कितना, 49 × 10⁻⁵ पर केल्विन दे रखा है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है डेल्टा टी, ये हमें बता रखा है 30 डिग्री। तो उसने बोला है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, तो फ्रैक्शनल चेंज लिखेंगे। तो डेंसिटी जो लिखी जाती है, रो इक्वल टू हम लोग लिखें रो नॉट 1 - γ डेल्टा टी। ठीक है, इसको डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया इसे। तो इसको जब आप लिखोगे ये ऐसे लिख लो रो इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी, तो इसको लिखोगे आप रो माइनस रो नॉट, यहाँ रो नॉट, और ये गामा डेल्टा टी बनेगा, और ये माइनस है। देखो माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना, ये आएगा हमारे पास, तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, देखो अब इसकी बात करते हैं, जो हमें दे रखा है डेटा वो लिख लेते हैं। इसमें कितना दे रखा है, 49 × 10⁻⁵ और ये हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 × 10⁻²। ठीक है, माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 बोला है व्हेन ए बाई मेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोला है डज नॉट बेंड एट ऑल, गेट ट्विस्टेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, बेंड इन फॉर्म ऑफ एन आर्क विथ मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड, बेंड इन फॉर्म ऑफ एन आर्क विथ द मोर एक्सपेंडेबल मेटल इनसाइड। ठीक है, तो ये बोला एक द्विधात्विक पत्ती है, जैसे मान लो एक ये अलग अलग मेटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मेटल वन मान लेते हैं, और ये मान लो मेटल टू है। ठीक है, तो अब इसमें पहले बोला है कि पहला पार्ट है कि नहीं मुड़ेगी, एक हेलिक्स के रूप में मुड़ जाएगी, और ये दूसरा बोला है थर्ड पार्ट जो है एक चाप के रूप में मुड़ जाएगी एवं अधिक प्रसारित होने वाली वस्तु बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है, ठीक है, पहली वाली मेटल का, तो ये इस तरीके से होगी, ये मेटल फर्स्ट मान लेते हैं, ये तो इस तरीके से आएगी, तो जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो किधर होगी, आउटसाइड होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेटल फर्स्ट, मतलब इसमें जो एक्सपेंशन होगा अपन लोगों ने जो मेटल फर्स्ट है जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो किधर आएगी, आउटसाइड में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बेंड इन फॉर्म ऑफ एन आर्क विथ मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोला ए सॉलिड वॉल ऑफ मेटल हैज ए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी विथ इन इट, इफ वॉल इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल। बोला एक ठोस गेंद के अंदर एक संकेंद्रीय गुहिका है, यदि गेंद को गर्म किया जाए तब गुहिका का आयतन। ठीक है, तो जो क्या है, जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है,
और इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है ये इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये हीटेड मतलब हीट होगी और ये एक्सपेंड करेगी। तो जब एक्सपेंड होगी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, ये मान लो ए और बी, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग कितनी, डी मान लेते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसका वॉल्यूम भी है, वो इंक्रीज करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर 26 है। एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इफ द क्वेश्चन है इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज, ठीक है, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो हमें एक आयरन वायर दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल लेंथ हमें दे रखी है एल नॉट, वो हमें दे रखी है 10 मीटर, और जो टेम्परेचर है T1 ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और T2 टेम्परेचर वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा T जो हो गया वो कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है हमारे पास अल्फा, वो कितना बता रखा है 10 × 10^-6 पर डिग्री सेल्सियस। तो बोला देन इंक्रीज इन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो लेंथ डेल्टा एल हमें फाइंड करना है, तो लिखते हैं हम लोग एल डैश इक्वल टू कितना होता है एल नॉट 1+α डेल्टा टी, या एल डेल्टा एल लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एल नॉट कितना दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 10 × 10^-6 और डेल्टा टी कितना हो गया 100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1, 2, 3, 4 10^-, ये 10^4 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 10^-2, तो ये हमारे पास मीटर में आएगा, ये इसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर इसका, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो ये हम लोग जानते हैं मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, जब 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। ए मेटल रॉड ऑफ सिल्वर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस इफ लेंथ इंक्रीज बाय 0.19 सेंटीमीटर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर रॉड इज, ठीक है। इसमें बोला एक धात्विक छड़ है, उसको हमने गर्म करा, कहां से कहां तक गर्म करा, उसका टेम्परेचर बढ़ाया 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको टेम्परेचर बढ़ाया। तो बोला उसमें जो इंक्रीमेंट आता है वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। तो बोला इसका आयतन प्रसार गुणांक हमें बताना है, तो आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसका रेखीय प्रसार गुणांक निकाल लें तो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होगा। तो देखो इसको लिखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, डेल्टा टी लिखे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस, वो कितना है 100 डिग्री, ठीक है। और डेल्टा एल जो लिखे वो कितना है 0.19 सेंटीमीटर, या इसको आप क्या लिखोगे 0.19 × 10^-2 मीटर, ठीक। तो इसका फार्मूला लगा देते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इसमें इनिशियल लेंथ हम लोग मान लेते हैं यहां पे जो दिया है एल नॉट वो 1 मीटर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना इंक्रीमेंट हो गया इसमें, डेल्टा एल कितना है 0.19 × 10^-2, ये 1 आ गया, अल्फा और डेल्टा टी कितना है 100, ठीक है। तो अल्फा अगर हमने लिखा ये आ गया 0.19 × 10^-2 / 100, ठीक है, या 0.19
19 × 10⁻⁴। अब गामा लिखोगे वो कितना हो जाएगा, 3 अल्फा, तो 3 × 0.19 × 10⁻⁴, तो ये आएगा 0.57 × 10⁻⁴, या इसको आप लिखो 5.7 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 100 cm³, ठीक है, एट नॉर्मल प्रेशर। इफ इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम बिकम 125 cm³ एट द सेम प्रेशर, देन वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ द गैस एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, तो क्या क्या हमें दे रखा है, गैस है तो उसका 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम दे रखा है वो 100 दे रखा है, और 100 पे कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, ठीक है, एट द सेम प्रेशर, देन वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, तो हमें इसका आयतन प्रसार गुणांक निकालना है, तो लिख लेते हैं हम लोग, B=V0 1 γ δT। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो जो B हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 125, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 100, 1 γ, और डेल्टा टी कितना होगा हमारे पास, 100 − 20 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखोगे, ये आएगा 125 / 100, 1 + 80। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.003 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये बोला ए मेटल प्लेट 4 mm थिक हैज ए टेम्परेचर डिफरेंस 32 डिग्री सेल्सियस बिटवीन इट फेस, इट ट्रांसमिट 200 कैलोरी पर आर थ्रू एन एरिया 5 cm² थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेरियल इज। तो इसमें क्या है, एक मेटल प्लेट है, ठीक है, जैसे मान लो ये मेटल प्लेट है, ठीक है, यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं T1 और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2, ठीक, और जो इसकी थिकनेस दे रखी है हमें, यहां से यहां तक ये जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है, 4 mm दे रखी है, ठीक, और जो T1 यहां से मान लेते हैं ये टेम्परेचर ज्यादा है तो इधर से हीट ट्रांसमिट होगी इधर से इधर, तो T1 − T2 ये हमें दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें बतानी है, और हमें क्या बता रखा है, इसका किस रेट से जो इसमें एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, dQ/dt हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 200 kcal/h, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जूल पर सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 200 × 10³, ये हमने पहले किलो कैलोरी को कन्वर्ट करा कैलोरी में, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2, आर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो जब आप लिखोगे dQ/dt ये क्या आएगा, हमारे पास हीट करंट है तो ये आएगा टेम्परेचर डिफरेंस ÷L/kA, या इसको आप लिखोगे kA/L × ΔT। ठीक है, तो जो L है वो क्या है, वो थिकनेस है, यहां पे L कितना है, 4 mm या 10⁻³ m। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो क्या आएगा dQ/dt आएगा 200 × 10³, 4.2, ठीक है, K हमें फाइंड करना है, एरिया हमें बता रखा है, एरिया कितना बता रखा है, 5 cm², इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 5 × 10⁻⁴, ΔT कितना है 32,
और इसकी जो थिकनेस है वो किसका काम करेगी, वो जो है वो दिया हुआ है 4 × 10⁻³। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 58.33 वॉट। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये बोला है फॉर कुकिंग द फूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूटेंसिल इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते हैं क्या, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए और कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। तो इसको चेक करते हैं, तो बोला हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी, ये भी गलत हो गया। लो स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी, ये भी गलत हो गया। क्या है, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। तो इसका सही आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बोला है द टू एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए आर कैप्ड एट टेम्परेचर T1 एंड T2, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dT थ्रू द रॉड इन ए स्टेडी स्टेट इज गिवन। ठीक है, तो ये हमसे एक फार्मूला दे रखा है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को फार्मूला तो ध्यान ही है, टेम्परेचर हमें T1 कितना दे रखा है, T1 क्या है, ज्यादा है T2 से। ठीक है, तो इसका अपने लोग बात करें तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, ये आप लोगों को याद है, dQ/dT इक्वल टू कितना होगा, KA T1 - T2/L। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बोला है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किस पे डिपेंड करेगा, ये जो मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको चेक कर, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू सरफेस ये गलत है, एरिया ऑफ प्लेट ये भी गलत है, थिकनेस ऑफ मेटल ये भी गलत है, मटेरियल ऑफ प्लेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल ऑफ द प्लेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज 5:3। इफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ टू रॉड्स ऑफ दीज मटेरियल ऑफ सेम थिकनेस इज सेम देन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज रॉड्स। जैसे मान लो दो रॉड है, ठीक है, दोनों की थिकनेस सेम है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो ये L1 है और इसकी लेंथ मान लो L2 है, थिकनेस सेम है, तो मतलब इसका एरिया दोनों का सेम है। तो लिखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, ये मान लो K1 और ये K2, तो थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो हमें दे रखा है K1 K2 = 5:3। थर्मल रेजिस्टेंस दोनों के बराबर है, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा जाएगा R1 = R2 लिख लेते हैं, ये आएगा L/kA, तो L1 K1 A1 इधर आ जाएगा L2 K2 A2। अब थिकनेस सेम है तो A1 = A2 हो गया, तो यहां से बचा हमारे पास L1 K1 = L2 K2, तो L1 / L2 K1 / K2। तो ये जो हमें रेशियो दे रखा है कितना, 5:3, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऐसे L1 / L2 5:3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बोला है ए बॉडी ऑफ लेंथ 1 meter having cross section area 0.75 meter has heat flow through its at rate 6000 joule per second, then find the temperature difference। और thermal conductivity हमें बता रखी है, ठीक है, तो देखो इसमें solve करते हैं, dQ/dT हमें बता रखा है, dQ/dT हमें कितना बता रखा है, 6000 जूल पर सेकंड बता रखा है। ठीक है, लेंथ कितनी बता रखी है हमें,
वन मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करनी है तो लिखोगे डी क्यू बाई डी टी, ये लिखा जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा थीटा से लिख लेते हैं, एल के ए, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है तो ये आ जाएगा 6000 के आपको दे रखा है, 200 एरिया दे रखा है, 0.75 डेल्टा थीटा हमें फाइंड करना है और जो लेंथ दे रखी है वो 1 मीटर हमें दे रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा थीटा आएगा 6000 डिवाइड बाई 200 0.75, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये कैंसिल हो गया, ये 300 आ गया हमारे पास, ठीक है, 3000 आएगा, डेल्टा थीटा आ जाएगा 3000, तो ये 2 हो गया, 205, तो 40 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा इसका, आंसर क्या आएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बोला है, इट इज हॉटर फॉर द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ ए फायर देन इट इज इन साइड ऑफ इट मेनली बिकॉज, ठीक है। तो ये क्या आता है, कन्वेंशन की वजह से आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये फायर है यहां पे, ठीक है, इस तरीके से, तो जो यहां पे जो एयर होगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगी, अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी और जो कोल्डर एयर है वो डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। और इधर जो कोई ऑब्जर्वर है तो वहां पे जो हीट पहुंचती है वो सिर्फ रेडिएशन की वजह से, अपने लोग मान के चलते हैं कि रेडिएशन की वजह से होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इट इज हॉटर फॉर द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ए फायर देन इट इज इन साइड मेनली बिकॉज, तो ये कन्वेंशन होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर सही क्या है, कन्वेंशन टेक मोर हीट अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बोला इन ए क्लोज्ड रूम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस वाई, तो क्या होता है, देखो कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, इनमें क्या डिफरेंस है, जो कंडक्शन है इसमें मॉलिक्यूल जो है वो अपना जो इस पोजीशन है उसको चेंज नहीं करते हैं, वो वहीं पे वाइब्रेट होते रहते हैं, और ये जो कन्वेंशन है इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल एनर्जी को लेके मूव करते हैं, ठीक है। और रेडिएशन क्या है, इसमें ये तो जो बोला है इन ए क्लोज रूम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, तो जो कन्वेंशन है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा, संवहन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस प्राइमरली, तो सी एंड लैंड ब्रिज, इसमें कन्वेंशन ही होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर ये भी है, वार्मिंग ऑफ ग्लास बल्ब ऑफ बल्ब ड्यू टू फिलामेंट, ठीक है। तो ये मेनली जो किसकी वजह से होता है, ये रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, अपना थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर आर हीटेड थ्रू, तो ये किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट आंसर सही है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हीट ट्रांसफर विच मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, नेचुरल कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड स्ट्रिंग ऑफ लिक्विड। उसमें संचरण की कौन सी विधि गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, कौन सा? प्राकृतिक संवहन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा? इसका भी फर्स्ट आंसर है। कौन सा आंसर है इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ही ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या है? रेडिएशन है। ठीक है, कौन सा है? थर्मल रेडिएशन। इसका सही आंसर क्या है? थर्मल रेडिएशन। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण जो है उसमें जो हीट है, ठीक है, वो किस फॉर्म में मूव करती है? लाइट की फॉर्म में मूव करेगी, या बोले वो लाइट की स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, तो बोला निम्न में से किस में ऊष्मा प्रकाश की गति के साथ एक सीधी रेखा में गमन करती है? तो वो क्या है? ऊष्मीय विकिरण। तो इसका सही आंसर क्या है? थर्मल रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बोला है ए ब्लैक बॉडी रेडिएट हीट एट टेम्परेचर T1 एंड T2 द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है कि वो फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, कि जो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित आवृत्ति है उसके बारे में बात करनी है। तो हम लोग बात करें, बीन लॉ जो है वो क्या बोलता है? लैम्डा एम इंटू टी, ये क्या कांस्टेंट होता है? बी के बराबर। तो लैम्डा एम जो आएगा वो क्या चलेगा? बी अपॉन टी के साथ चलेगा, या ये बोले लैम्डा जो एम है वो डायरेक्टली क्या है? इनवर्सली है 1/T के साथ, टेम्परेचर के साथ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर अपन लोग बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी वो क्या चलेगी? वो टेम्परेचर के साथ चलेगी। ठीक है, क्योंकि वो लैम्डा अगर 1/T के साथ चला तो फ्रीक्वेंसी किसके साथ चलेगी? टी के साथ। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी को लिखो, यहां पे न्यू से लिखते हैं। किससे लिखोगे? न्यू टी के साथ चलेगा। ठीक है, अब ये बोला है अधिकतम ऊर्जा से संबंधित आवृत्ति। ठीक है, ए ब्लैक बॉडी रेडिएट हीट एट टेम्परेचर T1 एंड T2 द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या आएगा हमारे पास? T2 जो है हमें बता रखा है T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो जो न्यू टू आएगा हमारे पास वो ज्यादा होगा किससे? न्यू वन से। ठीक है, और एनर्जी आप लोग अगर लिखें इक्वल टू क्या होता है? H न्यू। तो सही आंसर क्या आएगा? T2 से आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपना सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर गुड एमिटर। तो किसने बोला था? किरचॉफ लॉ है ये। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा नियम बतलाता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं? तो कौन सा नियम है? किरचॉफ लॉ। ठीक है, कौन सा है? किरचॉफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर पुअर एमिटर, नॉन एमिटर, गुड एमिटर, हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, तो जैसा भी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था इससे पीछे वाला, किरचॉफ लॉ वो क्या बोलता है? जो गुड एब्जॉर्बर है वो क्या होंगे? गुड एमिटर होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही है। सही आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर सही है। ठीक है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, कौन से? अच्छे उत्सर्जक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 बोला है अकॉर्डिंग टू द बीन्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या होता है? लैम्डा और जो टी है ये क्या होता है? इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या? कांस्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन बोला है इफ
वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सन एंड मून आर 0.5 × 10⁻⁶ एंड 10⁻⁴ मीटर रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें भी बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना है, तो लिख लेते हैं हम लोग सन लिख लेते हैं और इधर मून के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बीन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लैम्डा वन टी वन इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा एम टू टी टू, इसके लिए क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो जो सन के लिए हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.5 × 10⁻⁶ टी वन, लैम्डा टू दिया हुआ है 10⁻⁴ टी टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे टी वन अपॉन टी टू तो ये जो आंसर आएगा ये 200 आएगा, कितना आएगा 200, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 47, द टेम्परेचर ऑफ सन इज 5500 केल्विन एट इट एमिट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन इन येलो रीजन। ठीक है, द मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम फर्नेस अकर एट वेवलेंथ द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, तो फिर भी इसमें हमें बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना है। ठीक है, तो क्या है, एक को लिख लेते हैं लैम्डा वन टी वन इक्वल टू लैम्डा एम इंटू टी टू, ये क्या होगा हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो लैम्डा एम वन टी वन इक्वल टू लैम्डा एम टू टी टू। तो पहले वाले के लिए बात कर लेते हैं, ये किसके लिए है, सन के लिए, और इसको हम लोग लिख लेते हैं फर्नेस के लिए। ठीक, लिखते हैं, तो क्या दे रखा है हमें लैम्डा वन, हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम द फर्नेस अकर एट वेवलेंथ टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, तो टी टू हमसे पूछा गया, तो टी टू आप लिखोगे आ जाएगा लैम्डा एम वन लैम्डा एम टू और यहां पे आ जाएगा टी वन, तो लैम्डा वन लिख लेते हैं कितना है 5.5 × 10⁻⁷, ये आ जाएगा 11 × 10⁻⁷ और टी वन हमें दे रखा है 550 केल्विन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा टी टू का 5.5 × 500 आएगा, इसको जब आप सॉल्व करो तो आएगा 2750 केल्विन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, ए पर्टिकुलर स्टार अज्यूमिंग इट हैज ब्लैक बॉडी हैज फर्नेस टेम्परेचर 5 × 10⁴ केल्विन, द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एट विच इट रेडिएशन बीकम मैक्सिमम इज। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, फिर बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाएंगे, तो क्या है लैम्डा एम टी इक्वल टू क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया है, वेवलेंथ पूछी गई है नैनोमीटर में, तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बी अपॉन टी 0.0029। ठीक है, 5 × 10⁴ इसको लिख लेते हैं, ये लिखा जाएगा 29 × 10⁻⁴ 5 × 10⁴। ठीक, तो ये बनेगा 4.8 आएगा। ठीक है, तो 4.8 × 10⁻⁸ या इसको लिखोगे आप 448 × 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर में अगर आप लिखोगे लैम्डा तो आ जाएगा 48 नैनोमीटर, कितना आएगा 48 नैनोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 49 बोला ए ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट टेम्परेचर 200 केल्विन, इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट टेम्परेचर 300 केल्विन विल बी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं लैम्डा एम वन टी वन इक्वल टू लैम्डा एम टू टी टू। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं क्या है। तो इस टी टू हमें फाइंड करना है, तो पहले वाला जो टेम्परेचर है 2000 केल्विन उसकी वेवलेंथ हमें कितनी बता रखी है लैम्डा एम, यहां पे हमने लिखा 2000, लैम्डा टू लिखा हमने 300,000 और टी टू, तो टी टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3 इंटू लैम्डा एम। नहीं एक मिनट रुको, ये नहीं आएगा यहां पे, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। हमें इसमें फाइंड करना है लैम्डा, ठीक है, और टी टू हमें दे रखा है, इसको मैं दोबारा लिखता हूं। जो क्या है लैम्डा एम वन टी वन इक्वल टू लैम्डा एम टू टी टू। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए लैम्डा एम टेम्परेचर हमें दे रखा है 2000 केल्विन, लैम्डा एम टू आपको फाइंड करना है और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर दे रखा है वो 3000, तो लैम्डा एम टू आ गया 2/3 इंटू लैम्डा एम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 2/3 लैम्डा एम, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 बोला इफ द रेडियस ऑफ ए स्टार इज आर एंड इट एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। ठीक है, तो स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि अगर स्टीफन लॉ लिखें कि जो रेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी है वो क्या लिखी जाती है सिग्मा ई ए टी की पावर 4, टेम्परेचर की फॉर्म में चलती है। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी है तो इसकी एमिसिविटी कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। अब रेट ऑफ एनर्जी हमें बता रखी है कितना Q, तो हमने लिखा Q इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है, अब जो ब्लैक बॉडी है या इफ द रेडियस ऑफ स्टार इज आर एंड इट एज ए ब्लैक बॉडी, तो ये मान लो स्टार है और इसकी हमें रेडियस दे रखी है आर, तो ये इस तरीके से एनर्जी रेमिट करेगा हर जगह से, उसका जो एरिया आएगा वो कितना लिखा जाएगा 4πr². ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो यहां रख देते हैं, तो बनेगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² इंटू टी की पावर 4। तो टेम्परेचर हमें बताना है टी की पावर 4 आ जाएगा Q अपॉन सिग्मा 4πr की पावर 4। ठीक है, नहीं आर स्क्वायर आएगा ये, तो टी आ जाएगा Q सिग्मा 4πr² इंटू 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं Q अपॉन 4πr² इंटू सिग्मा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 0°C इज ई जूल पर सेकेंड, द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ दिस ब्लैक बॉडी एट 273°C विल बी। ठीक है, तो ये बोला 0°C पर किरण पिंड से विकिरण ऊर्जा की दर ई जूल पर सेकेंड है, तो 273°C ताप पर विकिरण ऊर्जा की दर क्या होगी। दो स्टीफन लॉ से अगर लिखें तो फार्मूला लिखा जाएगा dQ/dt इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4। ठीक है, ये हम लोग लिखें जो
रेडिएशन की जो रेट है, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, एमिसिविटी भी कांस्टेंट रहेगी और सिग्मा भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये टी की पावर 4 के साथ चलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, डी क्यू अपॉन डी टी 1, डी क्यू अपॉन डी टू 2, टी 1 अपॉन टी 2 की पावर 4। ठीक है, तो टी 1 हम लोग लिखते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो इसको लिखते हैं, ये पहले आ जाएगा हमारे पास E, और इसको लिख लेते हम लोग E2, तो T1 जो दिया हुआ है वो 0 प्लस 273 केल्विन, T2 आप लिखोगे 273 प्लस 273 की पावर 4। ठीक है, तो ये बनेगा E अपॉन E2, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1/2 की पावर 4, या E2 जो आप लिखोगे ये 16E बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो ताप विकिरण की ऊर्जा दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 16E हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है, एनर्जी ऑफ बीइंग एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 1×10^6 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट विच रेट ऑफ एनर्जी इज 16×10^6 विल बी। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो रेट ऑफ एनर्जी हम लोग अगर dQ/dt लिखें वो कितना लिखा जाएगा, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हमसे पूछा गया है, तो दो केस दे रखे हैं, तो इसको लिख लेते हैं फिर, dQ/dt ठीक है, एनर्जी बीइंग एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये दे रखा है हमें, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट विच एनर्जी एमिशन इज, ठीक है, तो बॉडी तो चेंज है नहीं, तो सिग्मा ई ए, ये तीनों जो हैं सेम रहेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा ई ए टी 1 की पावर 4, सिग्मा ई टी 2 पावर 4, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर लिख लेते हैं, dQ upon dt 1 का जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 1×10^6, दूसरा हमें दे रखा है 16×10^6 इक्वल टू, जो t1 हमें दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, ये 127 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर 127 है इसको आप केल्विन में रखोगे, किसमें रखोगे, केल्विन में, तो ये आ जाएगा 273 प्लस 127, और यहां पे लिखोगे आप T2, ठीक, तो ये कितना बन, ये पावर आएगी 4, ये आएगा 1/16, और ये कितना हो जाएगा 3, ये 500 हो जाएगा, × 22 आ जाएगा, 273 प्लस 127, तो ये 7 0 2, ये 0 आ गया, 2 3 3, ये 400 आएगा, कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी की पावर 4, यहाँ आएगा 4, तो आएगा 1/2 400/t2, तो t2 जो आ जाएगा ये आ जाएगा 800, और ये जो आंसर आया हमारे पास केल्विन में आया है, अब हमें किस में लिखना है, डिग्री सेल्सियस में, तो T2 अगर आप लिखोगे 800 माइनस 273, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 527 केल्विन, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैज ए सरफेस एरिया ए एंड पावर रेटिंग पी, इफ द एमिसिविटी ऑफ द फिलामेंट इज ई एंड सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। तो देखो इसको जो रेट ऑफ एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर,
तो पावर को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, पी इक्वल टू स्टीफन लॉ से लिख रहे हैं आप लोग, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ठीक है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। तो एमिसिविटी हमें बता रखी है और सिग्मा बता रखा, हमसे पूछा गया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिख लो क्या आएगा यहां से, टी की पावर 4 पी अपॉन ए ई सिग्मा, या इसको आप लिखोगे टी इक्वल टू ये यहां पे पी आएगा बेटा, यहां पे ये पी, तो पी ए ई सिग्मा की पावर 1/4, ठीक है, पी अपॉन ए ई सिग्मा की पावर 1/4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54। व्हेन द बॉडी हैज सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, तो देखो क्या होता है, कोई बॉडी है जैसे मान लो ठीक है ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लो टी, और ये जो सराउंडिंग में है इसका टेम्परेचर मान लो आप टी एस, ठीक है, तो ये बोल रहा है इट डज नॉट रेडिएट हीट, इट रेडिएट सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज इट एब्जॉर्ब। तो क्या होगा, जैसे अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा हीट रेडिएट करेगी, ठीक है, और इसका टेम्परेचर अगर दोनों का बराबर है तो जिस रेट से ये हीट रेडिएट करेगी, ठीक है, जिस मतलब जितनी हीट ये रेडिएट करेगी उतनी हीट को ये एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब सराउंडिंग का और बॉडी का। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो ये बोला है इट रेडिएट द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज इट एब्जॉर्ब, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, इट रेडिएट द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज इट एब्जॉर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होता टी ग्रेटर देन टी एस तो ये ज्यादा हीट रेडिएट करती, ठीक है, एब्जॉर्ब कम करती इससे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, मतलब टेम्परेचर सेम है तो इसका जो सेम क्वांटिटी हीट की होगी जो एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही ये रेडिएट करेगी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इट रेडिएट द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज इट एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ये बोला इफ द टेम्परेचर ऑफ सन वर टू बी इंक्रीज फ्रॉम टी टू टू टी इट रेडिएट फ्रॉम आर नहीं इट रेडियस, इसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज कर दी गई है आर से टू आर, देन द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली विल बी, ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है, और यहां पर ये इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर में एनर्जी देगा, यहां मान लेते हैं ये अर्थ है, तो ये हम लोग चेक करते हैं कितनी एनर्जी ये रिसीव कर रही है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो रेडियस है डिस्टेंस है, पहले तो ये मान लेते हैं, इसको मान लो आर, ठीक है, और सन की रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल आर, तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, पावर अगर इसकी लिखे तो वो आप लिखोगे कितना आएगा, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, या आपने लिखा सिग्मा ई और इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, ठीक है, जो अर्थ है वो कितनी एनर्जी रिसीव करेगी, इसका एरिया मान लेते हम लोग ए ई मान लेते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं एनर्जी रिसीव्ड, तो अगर इसको आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा पी डिवाइड बाई कितने 4 पाई आर स्क्वायर, इस टोटल एरिया में एनर्जी है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हमें अर्थ के लिए निकालना है तो आप क्या लिखोगे, इसको ए ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, अर्थ का एरिया है, तो एनर्जी रिसीव को अगर मैं लिखूंगा फार्मूला बन जाएगा ई पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए ई, या इसको आप लिखोगे सिग्मा ई 4 पाई आर की पावर आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए ई,
ठीक है, ये बना हमारे पास। तो आप देखो ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही है, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये ई भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, फोर पाई भी कांस्टेंट हो गया। तो जो एनर्जी रिसीव है वो क्या है, डायरेक्टली किसके साथ है, रेडियस ऑफ सन और उसके टेम्परेचर की पावर फोर के साथ, ठीक है। अब इसके केस बना लेते हैं अपने लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इसको पहले ये अब यहां तक सही है, अब इसको रफ करते हैं पहले। तो एनर्जी जो आ गई वो क्या आ गई, आर की पावर फोर, नहीं आर स्क्वायर टी की पावर फोर, क्या आ गया, जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो डायरेक्टली किसके है, आर स्क्वायर और टी की पावर फोर, ठीक है। तो अब इसमें केस लिख लेते हैं, तो ई वन लिखेंगे, ई वन अपॉन ई टू, आर वन अपॉन आर टू स्क्वायर, टी वन अपॉन टी टू की पावर फोर, ठीक है। चेक करते हैं अब क्या बोला है ये, अगर इसका जो रेडियस है वो कितनी इंक्रीज कर दी आपने, पहले तो है आर और ये अब कर दी टू आर, ठीक है, इनटू टेम्परेचर कितना कर दिया गया है, टी से टू टी कर दिया गया, ये टी डिवाइड बाई टू टी पावर फोर, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, ई वन अपॉन ई टू, तो ये टोटल जो आएगा टी से टी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, वन अपॉन टू की पावर सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, चार दुनिया, तो कितना आएगा ये 64 आ जाएगा, ठीक है। तो E1 अपॉन E2 ये आ गया 1 बाई 64, या E2 जो आप लिखोगे ये कितना हो जाएगा 64E आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पहले तो E आ रही थी, अब कितना हो गया 64 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, आंसर सही है इसका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ये बोला टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू विथ सरफेस टेम्परेचर टी वन एंड टी टू रेस्पेक्टिवली रेडिएट द सेम पावर देन रेशियो ऑफ आर वन एंड आर टू, तो सेम पावर रेडिएट कर रही है, तो पी वन इक्वल टू पी टू लिख लो, ठीक है, टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी तो एमिसिविटी कितनी हो गई, वन, ठीक है। तो लिखते हैं सिग्मा ई ए वन टी वन की पावर फोर, सिग्मा ई ए टू टी टू की पावर फोर, ठीक है, एमिसिविटी तो क्या वन हो जाएगी, ब्लैक बॉडी है, तो एरिया लिखोगे आप, ये बनेगा ए वन टी वन की पावर फोर, ए टू टी टू की पावर फोर, ठीक है। तो 4 पाई आर वन स्क्वायर टी वन पावर 4, 4 पाई आर टू स्क्वायर टी टू पावर 4, तो आर वन आर टू स्क्वायर जो है ये आएगा टी टू अपॉन टी वन की पावर 4, हमसे बोला गया आर वन अपॉन आर टू पूछा गया, तो आर वन अपॉन आर टू लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये टी टू अपॉन टी वन स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कौन सा आएगा, टी टू अपॉन टी वन स्क्वायर, तो द रेशियो ऑफ रेडियस कितना आएगा, टी टू अपॉन टी वन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, बोला ए ब्लैक बॉडी रेडिएट 20 वॉट एट टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज चेंज टू 727 डिग्री सेल्सियस देन इट रेडिएटेड पावर, तो पावर लिखोगे आप, एक मिनट, ठीक है, तो पावर अपने लोगों ने फार्मूला लिखा जाएगा पी इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर फोर, ब्लैक बॉडी है तो ये कितना हो गया इक्वल टू वन, ठीक है। तो पी जो है टेम्परेचर की बात हो रही है, सिग्मा कांस्टेंट है और एरिया के बारे में जो बोला गया है क्या है, बॉडी सेम है तो एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, तो आप बोलोगे पी टी की पावर फोर के साथ चलेगा। तो केस लिख लेते हैं,
P1, P2, T1, T2 की पावर 4। तो P1 कितना है हमारे पास? ट्वेंटी वॉट। P2 हमें लिखना है और T1 अगर आप लोग लिखें तो ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो T1 आपने लिखा 227 प्लस 273, T2 आपने लिखा 727 प्लस 273 की पावर 4। इसको लिखते हैं 20 डिवाइड बाई P2, तो ये कितना हो जाएगा 500, ये आ जाएगा 1000 पावर 4, ये हो जाएगा 2, तो 20 अपॉन P2 1/2 की पावर 4, ठीक है। तो P2 को आप लिखोगे 20 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना आएगा, ये आएगा 16, तो 20 इंटू 16 और ये आ जाएगा 320 वॉट, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा है? थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 ये बोला, ए हॉट बॉडी एट टेम्परेचर टी लॉसेस हीट टू द सराउंडिंग टेम्परेचर टीएस वाई रेडिएशन, इफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज स्मॉल देन द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाई हॉट बॉडी। देखो इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, स्मॉल बता रखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है, वो क्या बोलता है कि जो टेम्परेचर का रेट है वो, ठीक है, देन द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, एक मिनट रुको, जो टेम्परेचर होगा वो कितना आएगा, के इंटू टी, कितना है, टी माइनस टी एस की फॉर्म में चलेगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो हीट अगर आप लिखोगे तो क्यू जो होता है वो कितना आता है, एम एस इंटू टेम्परेचर, तो अगर आप डी टू डी क्यू अपॉन डी टी लिखोगे, ये टेम्परेचर मान लो टी, तो ये आ जाएगा एम एस डी टी बाई टी, तो ये डायरेक्टली किसके साथ चलेगा, ऐसे लिखो के टी माइनस टी एस के साथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, टी माइनस टी एस, ठीक है। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किससे आता है, स्टीफन लॉ से आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और ये हीट लॉस है तो यहां पे आप लिखोगे माइनस, लिखोगे माइनस, और ये माइनस तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। ये बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्पेशल केस, ये किसका है, स्टीफन लॉ का केस है ये, ठीक है। उसका सही आंसर कौन सा है, स्टीफन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ये बोला ए बॉडी टेक्स 5 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस द टाइम टेकन बाय टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस विल बी, ठीक है। तो इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फार्मूला है वो लगाएंगे हम लोग। तो पहला केस लिख लेते हैं, केस फर्स्ट जो है उसमें T1 टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री, T2 कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है T0 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड की अगर बात करोगे तो उसमें T1 कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, T2 है 30 डिग्री सेल्सियस, और T0 जो है वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो अब लिखते हैं इसे जरा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे, वो क्या आएगा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई यहां पे आएगा टाइम टी इक्वल टू के T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस का T0।
ठीक है। तो केस फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं और केस सेकंड के लिए। तो केस फर्स्ट की इक्वेशन आपने लिखी 90 माइनस 60, और इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें, मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको मिनट में ही रखते हैं अभी यहां पे 5, ठीक है, इक्वल टू के। और T1 हमें कितना दिया है यहां पे, 90 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकंड इक्वेशन में लिखनी है हमें, तो 60 माइनस 30 डिवाइड बाई टी इक्वल टू के, 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां से हमसे टाइम पूछा गया, तो टाइम जो आएगा वो कितना आएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, वो 11 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, 11, वो मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बच्चों ये अपने डीसीएम का जो 25 नंबर का पेपर था उसका सोल्यूशन था, ठीक है।